अमूमन हम लोग ऐसे सामानों को घर से बाहर फेंक देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे हार्पिक की बोतल होगी या दूसरे साजो सामान, कोई पन्नी, पोलोथीन या फिर ख़राब टायर। लेकिन एक व्यक्ति हैं देहरादून के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ऐसे ही साजो सामान को बना लिया है। दुनिया में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों के शौक कई प्रकार के होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लोग अपने स्तर से प्रयत्न करते हैं। कुछ ऐसा ही शौक है देहरादून के रहने वाले अमर दुनंदा का। उन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है। इनके पास कई पुरानी चीजों का संग्रहालय है जिनमें कुछ चौंकाने वाले जबकि कुछ अनोखी चीजें हैं जो शायद ही कहीं देखने को मिले। आमतौर पर लोग जिसे बेकार समझते हैं उन चीजों को इकट्ठा करने का शौक अमर दुनंदा को है। इनके पास पुरानी चीजों का अच्छा संग्रह है। इनमें प्रथम विश्व युद्ध की नीलामी वस्तुओं में जॉर्ज कैमरा है जो पहला कैमरा था। ऐसा के माध्यम से मैंने पर्यावरण का के संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की है। जैसे देखिए आर्य है, आर्य पे लिखा मैं पर्यावरण संरक्षण शपथ लेती हूँ जी। आर्य को इतनी समझ में आ गया है कि अगर हम जंगलों को इसी रफ्तार से काटते चले गए तो कुछ समय बाद इंसान का क्या, जानवर का क्या, पशु पक्षी किसी भी रहना प्रतिबंध दुर्बार हो जाएगा। तो आर्य ने कसम ले ली कि मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगी, लेकिन हम इंसानों को शायद इसकी समझ अभी तक नहीं आई। अमर पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने के लिए विदेश जाते हैं। वहाँ से वे ऐसी चीजों को लाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने देश विदेश से कई दुर्लभ कैमरों को संग्रहित किया है। इनकी संख्या 100 से भी अधिक है। इस दुनिया का सबसे पहला कैमरा था जॉर्ज, ये उसका एक छोटा रूप है। उस कैमरे को तो इतना बड़ा कैमरा था कि उसको तो करीब 9-10 लोगों ने चलाया था, लेकिन उसका छोटा रूप ये बनाया गया। ये उस मॉडल का कैमरा है, ये मुझे जॉन सार से मिला था। इसके इसी के से मिलता जुलता कैमरा एक ही है, ये भी उसी का एक थोड़ा बड़ा रूप है, ये भी जॉर्ज का ही एक बड़ा रूप है। ये कैमरा जो जवाहरलाल नेहरू की जो एक फोटो लेडी फोटोग्राफर थी, इसी मॉडल के कैमरे से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फोटो खींची थी। बहुत कम कीमतों में खरीदी गई कैमरे की कीमत आज लाखों में है। अमर दुनंदा युवा पीढ़ी को दिखाने के लिए ये दुर्लभ कैमरे संजोए हुए हैं। ये चाहते हैं कि युवा भी इस विलुप्त कैमरे के बारे में जाने। ये अनोखे संग्रहण राज्य और देश की धरोहर है। ये रामायण अमेरिका में एक सज्जन है, हमारे मित्र हैं, सुनील कुमार रोहिला, उनके पास थी। उन्होंने जब देखा कि मुझे ये पुरानी चीज़ों का इकट्ठा करने का शौक है और मैं बड़ा सहज करके उसको रखता हूँ, संभाल कर रखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल आध्यात्मिक है, हाथ की लिखी हुई है। तो उन्होंने मुझे जो है ये कहा कि हम जब भी देहरादून इंडिया आएंगे तो हम रामायण वो आपको देंगे ताकि आप उसको उतनी ही इज्जत बख्श सको जिस इज्जत की रामायण हकदार है। अमर बेकार और पुरानी चीजों को भी नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने घर को कबाड़ से सजा कर रखा है, चाहे वो टूथब्रश हो, टायर, बोतल, शीशा, आरी इत्यादि को नया रूप देकर अपने घर में सजा कर रखा है। अमर का कहना है कि वह लंबे समय से अपने शौक को संजोए हुए हैं। उन्हें पुरानी चीजों के संग्रहण का शौक बचपन से है, अब ये आने वाली युवा पीढ़ी को इसे उपहार के रूप में देना चाहते हैं। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।